भाषा का विकास मनुष्य के विकास का एक बहुत अहम हिस्सा है, और पशुओं से मनुष्य की जो यात्रा का अंतर है वो भाषा का ही विकास है। मैं जो कह रहा था, मैं ये नहीं कह रहा था कि भाषा को छोड़ना है, मैं कह रहा था भाषा को निरंतर विकसित करते चले जाना है और पुराने अर्थों को भी देखना है, और कई बार शब्द यात्रा करते करते नए अर्थ भी ले लेते हैं। मुझे उतना लिंग्विस्टिक का ज्ञान नहीं, लेकिन जो भाषा विज्ञान पर काम करते हैं वो जानते हैं, कई बार एक शब्द आज से 500 साल पहले जो अर्थ ले रहा था, 500 साल की यात्रा में उस शब्द के अर्थ बदल जाते हैं, उसमें जो हम मतलब डाल रहे थे वो बदल गए। अब ऐसा संभव हो सकता है कि कोई उसको उस पुराने अर्थ से देखे और कोई उसको नए अर्थ से देखे, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि भाषा मुक्त करें, भाषा हमारे लिए वो हो जो हमको बहुत पांडित्य में ना ले जाए कि ये कोई इंटेलेक्चुअल शास्त्रार्थ का विषय हो गया है। भाषा का मतलब कम्युनिकेट, जो हम कहना चाह रहे थे वो आप तक कम्युनिकेट हुआ पूरी तरह, और जो आप कहना चाह रहे थे हम तक कम्युनिकेट हुआ। तो भाषा में इसलिए जो आप कह रहे हैं उसमें ये भी देखा गया कि केवल शब्द ही नहीं है, भाषा में गेस्चर्स भी हैं, भाषा में आवाज़ भी है, आवाज़ की टोन भी है, भाषा में मैं कुछ और चीज़ें भी जोड़ता हूँ, टोन, गेस्चर, पिच, वर्ड्स, ये सब तो हैं लेकिन उसमें एनर्जी भी है, उसमें प्रेजेंस भी है, इंटेंशन भी है। बोलने वाले का इंटेंशन क्या है, उसकी प्रेजेंस क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, तो वो कुल मिला के एक भाषा बनाते हैं। अगर एक वाक्य मैंने बोला किसी से और उसमें सारे इंग्रेडिएंट हैं तो उसका कम्युनिकेशन बड़ा हो गया, ये मेरे कहने का तात्पर्य है। भाषा को तो बहुत सुंदर और विकसित लगातार होते रहना है, और फिर अभी इधर मैं देख रहा हूँ लिटरेचर में भी, इंग्लिश का लिटरेचर हो, हिंदी का लिटरेचर हो, और भाषाओं का भी ज़रूर होगा, मुझे दो ही का ज्ञान है तो मैं दो की बात कर रहा हूँ, भाषा का पिछले 10 साल के अंदर बहुत अंतर आ गया है, लिखने का जो ढंग है वो बहुत बदल गया है, और जो बदला है वो बड़ा रोचक है, सरल हुआ है, सिंपल हुआ है। पहले भाषा में लोग कठिनाई पैदा करने की कोशिश करते थे और उनको लगता था कि जितनी कठिन भाषा उतना ज़्यादा विद्वान इंटेलेक्चुअल व्यक्ति, आज हम उस व्यक्ति को ज़्यादा इंटेलेक्चुअल मानते हैं जो अपनी बात कह पा रहा है और जो ऑडियंस है, जो रीडर है, वो बात समझ पा रहा है, हमने कही आपने समझी ही नहीं, वो नहीं। तो अब ये भाषा का ढंग बदल रहा है, और फिर नए पुराने शब्दों को थोड़ा जांचने खंगालने की ज़रूरत है, और कई नए नए शब्द क्रिएट भी हो रहे हैं। अभी भाषा का देखिए नया ढंग, जब सोशल मीडिया पैदा हो गई, सोशल मीडिया में भाषा का एक नया ढंग इमोजी भी आ गया, आज से शायद 2 साल पहले ही इमोजी नहीं था। अब अगर 5 साल पहले वाले व्यक्ति को इमोजी वाली बात बताएं या 2 साल जब से इमोजी स्टार्ट हुआ है तो समझ ही नहीं पाएगा इमोजी भी कोई चीज़ होती है, लेकिन इमोजी आ गई। देखा जाए तो नई चीज़ नहीं आई है, जैसे फैशन में कुछ नया नहीं आता है, आप देखें हर 10 साल बाद का फैशन वही आ जाता है, थोड़े अंतर के साथ उसमें थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन हो जाता है और चीज़ वही आ जाती है। जो मंदरिन लैंग्वेज है, चाइनीज लैंग्वेज है, और भी कुछ ऐसी भाषाएं हैं वो थोड़ी इमोजी जैसी हैं, वो पिक्टोरियल है, तो कई भाषाएं पिक्टोरियल रहीं। तो ये अब हमारे न्यू एज में, नए युग में नई पिक्टोरियल लैंग्वेज आ रही है सामने, तो कई लोग बात कर रहे होते हैं अपने टेक्स्ट में, लिखने के बजाय वो इमोजी से ही काम चला लेते हैं, 2-3 सेंटेंस बात तो इमोजी से ही हो जाती है, समझने वाले समझ लेते हैं। तो ये नई लैंग्वेज है, और शब्द पुराने और नए अपनी यात्रा करते हैं। अब जैसे कि दमन शब्द का जो यात्रा पथ है वो रोचक है,
उसको मैंने देखा, ऐसे सैकड़ों हजारों शब्द होंगे। दमन पुराना, आप संस्कृत का लिटरेचर पढ़िए या भगवान बुद्ध के वक्त तक का लिटरेचर पढ़िए, उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं। वो दमन को बड़े पॉजिटिव ढंग से इस्तेमाल करते हैं, इंद्रियों का दमन, वासनाओं का दमन। और वो दमन से देखा जाए कॉन्शियस एफर्ट की ही बात कर रहे हैं, सचेतन। लेकिन फिर जब ये आधुनिक मनोविज्ञान का काल प्रारंभ हुआ, मॉडर्न साइकोलॉजी, रिप्रेशन और दमन जब उसमें आया तो वो निंदा हो गई। अब आप दमन को वैसे नहीं देख सकते कि दमन, तो दमन से नेगेटिव फीलिंग आती है। पुराने लिटरेचर में दमन से नेगेटिव फीलिंग नहीं आती, वो बड़े ही पॉजिटिव ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से उसकी बात कह के आगे चले जाएंगे। लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान में दमन नकारात्मक हो गया। तो अब जब हम दमन को देखेंगे तो हमको उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा कि हम इससे कहना क्या चाह रहे हैं, इससे एक्चुअल में हमारा कहने का मतलब क्या है। केवल हम इतना कह के आगे नहीं जा सकते कि उसको समझाना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे शब्दों का अर्थ 50 साल 100 साल में 180 डिग्री पे बदल जाता है, और कई शब्द पहले किसी और अर्थ में प्रयोग हो रहे होते हैं और फिर बाद में बिल्कुल नए अर्थ में प्रयोग हो जाते हैं। जितनी हमारी सोशल रिवोल्यूशंस हैं वो नए शब्दों और नए अर्थों को गढ़ती हैं। टेक्नोलॉजी की हमारी रिवोल्यूशन नए शब्दों और नए अर्थों को गढ़ती है, तो वो बहुत अच्छा है और हर भाषा में वो होना चाहिए। इंग्लिश में तो वो हर साल कुछ नए शब्द एडॉप्ट कर ही लेते हैं, और भाषाओं में भी होना चाहिए, हिंदी संस्कृत में भी होना ही चाहिए। अभी पिछले साल देखिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में बड़ा उन्होंने इंटरेस्टिंग वर्ड ऐड किया, हैंग्री, हंग्री और एंग्री का मिक्सचर। जब आपको भूख लगती है और आपको गुस्सा आ रही होती है, उस समय आप हैंग्री हैं, ना हंग्री हैं ना एंग्री हैं, तो इट इज़ हैंग्री। उसके पहले नहीं था, अब एक साल पहले वाला हैंग्री नहीं बोल पाएगा, हम लोग बोल सकते हैं। तो इट इज़ इवोल्यूशन, और बहुत ही सार्थक सशक्त इवोल्यूशन है, होना ही चाहिए।